मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मतदान को निकाली लेकर जागरूकता रैली। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों को संविधान के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने तय हुए हैं और इसमें छात्रों की क्या भूमिका रहेगी, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि हम सभी 100% मतदान के लिए अपील करेंगे और सभी छात्र इस कार्यक्रम में लगे। हम यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह चाहता है कि हम जो भी सरकार चुने वह उत्तराखंड के सपनों को साकार करे और उत्तराखंड के विकास पर बात करे और राष्ट्रवादी सरकार हो, यही हम सभी लोगों का एकमात्र ध्येय है। सर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक जागरूकता रैली निकाली गई, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी एक अभियान चला हुआ है, मतदाता जनजागरण अभियान, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में हम मतदाता जनजागरण अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारा जितने भी हमारे जो बूथ है उन बूथों पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हमने कुछ मुद्दे दिए हैं कि हमारे पास आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, जिस प्रकार से केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पुनर्निर्माण का जो काम हुआ है वो कितना बेहतरीन हो रहा है, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों को सम्मान बढ़ाने का काम जो सरकार कर रही है, ऐसे मूल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट डालने का आह्वान कर रही है। और एक विशेष रूप से हम अपील भी कर रहे हैं, उस विशेष रूप से अपील यह है कि जिस प्रकार जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले जो लोग थे उनके समर्थन में जाने वाले अरविंद केजरीवाल जिन्होंने समर्थन दिया, उसी प्रकार राहुल गांधी जिसने समर्थन दिया, तो ऐसे लोगों को वोट न देख के राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए अपना वोट देने का काम करें।